आपको पता है भिंडी में डाइट्री फाइबर होता है जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प हो करता है। तो भिंडी के तो और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो फिलहाल हम लोग दही भिंडी बनाते हैं। दही भिंडी बनाने के लिए आज मैं क्ले पॉट का यूज कर रही हूँ। आप रेगुलर कढ़ाई ले सकते हैं। क्ले पॉट में मैंने तेल डाला है और इसमें भिंडी को फ्राई करूँगी। अब भिंडी को साफ़ करके उसको पोंछ के पानी और उसके बाद उसको काटना। फिर ये देखो इस साइज़ में भिंडी को काटा है और इसको फ्राई करेंगे। जब तक भिंडी फ्राई हो रही है तब तक हम लोग दूसरी साइड में मसाले रेडी करते हैं। 4 चम्मच दही ऐड करेंगे और उसके बाद जो बेसिक से मसाले होते हैं वो ऐड करेंगे, जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च। देगी लाल मिर्च नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि तीखा हो जाता है उससे। काश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है। तो इसको साइड में रख देंगे और तब तक देख लेंगे। भिंडी हमारी लगभग 70% कुक हो चुकी है। मेरे को क्या सेम पैन में मसाले तैयार करने हैं इसके, तो मैं इसको एक अलग बोल में निकाल लूँगी और फिर सेम पैन में थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना तेल। फिर इसमें जीरा ऐड करेंगे, जीरा चटक जाएगा। फिर हरी मिर्च ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, मुझे कम तीखा चाहिए तो मैं एक ही ऐड कर रही हूँ। और फिर इसके बाद 2 प्याज को मैंने चॉप करके रखा है। तो अपने भिंडी के हिसाब से मैं प्याज रखी हूँ। आपको ज़्यादा भिंडी बनानी है तो आप ज़्यादा प्याज लेना। और 2 प्याज को मैंने ऐड कर दिया है तेल में। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस जस्ट फ्राई करना है थोड़ा सा। तो ये देखो प्याज फ्राई कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद मैं थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी इसमें और उसको भी सॉटे करेंगे ताकि उसका जो कच्चापन टेस्ट है वो निकल जाए अच्छे से। नहीं तो भिंडी में फिर उसका जो कच्चा टेस्ट आता है ना वो अच्छा नहीं लगता खाने में। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो दही के साथ मसाले बना के रखे हैं वो मसाले ऐड कर देंगे। और फिर इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी ही बन जाती है। तो इसको भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसके साथ और फिर ये दही भिंडी बहुत जल्दी बन जाती है। इसके साथ आप रोटी, चावल कुछ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो अब हल्दी ऐड कर रही हूँ मैं। हल्दी पहले ही ऐड करना था पर अब मैं ऐड कर रही हूँ। और फिर हल्दी के बाद मैं थोड़ा सा चलाने के बाद भिंडी ऐड कर दूँगी। इस सब्ज़ी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। तो भिंडी ऐड कर दी थी मैं, रिकॉर्ड करना भूल गई। और इसको मैं अब लास्ट में नमक ऐड कर रही हूँ। पूरे पहले मैंने नमक ऐड नहीं किया था और अब नमक डाल के मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी। गैस अभी भी सेम है। जब भी आप क्ले पॉट में खाना बनाइए तो गैस हमेशा सेम ही रखना है, हाई नहीं रखना है। तो मिक्स करके ढक के थोड़े देर छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। और फिर 5 से 10 मिनट के बाद हमारी दही भिंडी रेडी हो जाती है। आप देख लो कलर इसकी। बहुत लोग सोचते हैं कि ये काले पॉट में है तो काला हो जाएगा भिंडी, पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग, क्या मैं ही सोचती थी, पर ऐसा नहीं होता है। देखो भिंडी की कलर कितनी अच्छी आई है और बहुत टेस्टी भी बन के रेडी हो जाती है।